राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज सोमवार और इस टाइम पे 11:30 हो गए सवेरे के। नहा ली हूँ, सिर धो लिया है और बस ही तैयार होंगी। जय भी नहा लिया है और भाई नानी आ रही है। तू थी नानी, मेरे को नहीं आया था। मैं कह मैं आऊंगी, मैंने बढ़ा रही तू 15 साल की। जो ताके तुगे बन जा कर ना, मैं बांध दूंगी। कहानी कूनी की तैयारी कर लेंगे और बस फिर चाय पानी पी के चलूंगे। किताब कोनी ना कैलेंडर, फोन में सुननी पड़ेगी आज तो। वो तो बना किताब कर देगी बोलूंगी। मेरे को नहीं याद, भूल जाऊंगी। नो तो सुना तो ले आई ये साला, फिर को नहीं कहानी नहीं है बड़ा क्या। मैं फोन में चला के भर लेंगे वो कारे दनु। मैं सुनाऊं? तू सुना दे भाई, इतना अंधी है तो। हां तो सुना। तो ये जो कम हुई है वो पानी की भरली थी और इसके ऊपर जो धागा है वो बांध दूंगी। और कहानी सुनते टाइम में मतलब जो पानी का लोटा और जैसे दाने ले लिया करें कटोरे में, फल फूल जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो रख लूँगी। तब तक रितु भी तैयार हो लेगी, वाई बे नहाने जा रही है। और बाकी सब ने जो खाना है वो खा लिया है, सब तो दे दिया था आज। बस वो सिलेंडर सही टाइम पर ख़त्म हो गया तो उस चक्कर में हम थोड़े से लेट हो गए थे। अगर गैस पर तो टाइम नहीं लगता, चूल्हे पर काफ़ी टाइम लग जाएगा खाना बनाने में। तो इस करके बस रितु ने इतना एडिटिंग करी, इतना मैंने सब्जी बना दी थी और मैं इतने नाई जैन आया, इतने रितु ने रोटी बना दी थी। तो वो जो सारा काम है वो हमारा हो गया है। यो बोलेगा या नहीं बोलेगी तो मुख है, मैंने सारी चीज आवे है। खिचड़ी बना लिया कर, ये तो दूसरा बिजू है। खिचड़ी जल गया तो खाया करे यो। तो बस ये अपने जो सारी तैयारी है वो मैंने करके रख दी है। और मेरी यार बस नुए बातचीत चल रही थी, मैं खा रहे एक कट्टा बाजरा का लिया या गड़ा नहीं है, तुम तीन तो जने हो भला गड़ा है मैं खाओ और एक कट्टा तम लिया करा, 6 जने हाँ। तो अमित बस नुए कह रहा था भला एक तो तारा खानदाय को नहीं, तू भी बिने हुई वर्गी है, तू भी सही सा खावा ही से तेरे बाड़क है। तो भला बुढ़ा बुढ़ी में बाजरा खाया ही नहीं जाना होगा तारा, फालतू एरा होगा। मैं खाना बाजरे की रोटी तो खुश होके खा ले हैं। बाकी है ना, पहले तो जैसे खिचड़ी खाचड़ी बना लिया करते, लेकिन ये बरकत में तो खिचड़ी बन दी है को नहीं, बहुत कम होया होगा। 1-2 साल तक तो जब मैं नहीं बन रही मेरे हिसाब से, एक बार बन गई होगी तो पूरी सर्दियाँ मां लगते हैं। नहीं तो बाजरे की खिचड़ी बना लिया करते, तो बाजरे की खिचड़ी तो खाई जावे, अच्छी भी लगा है। मैंने तो दूध में ज़्यादा अच्छी लगा करा, बाकी कहीं ना जैसे दही के साथ में या जो गोजी बना लिया करा लस्सी में जो दार मार लिया करें उसके साथ में खुश होके खाया करें। पर मैंने तो घी दही गोजी की बजाय दूध में ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत टेस्टी लगा करा दूध में बाजरे की खिचड़ी। तो देखो भी इब की बार तो मैंने नू लगाया कदे मेरी सर्दी यहीं पे ना चली जावे। और इब तो ना बाजरा भी पीसे हैं तो मिक्सी में पीस ले हैं, क्योंकि उखड़ मुसड़ बहुत कम रह गए किसे किसे का है। और फिर आजकल बस ईसाई का हम हो रहा है, दूसरे का जाना कम है पसंद करें, पहले तो दूसरे का भी कूट लिया अगर दिल उगाई। तो इस चक्कर में भी ये चीज़ है वे कम बढ़न लग गई। तो इब रितु भी तैयार हो ली है और बस इब हम जो कहानी है वो सुन लेंगे। तो इब मैं अपने जो यहाँ पे तिलक लगाने लग रही हूँ, और जो है ना बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, बीच में बैठा रहेगा। तो ईब अपने जो एक फ़ोन में कहानी है वो लगा दी थी, फ़ोन में सुन ली थी हमने, क्योंकि ना कैलेंडर था और ना या जो पोस्टर सा लेके आया अगर हम वो लेके आ रही थी। मैं तो दोनों पोस्टर लेके आई थी, करवा चौथ का भी लेके आई थी और ओई का भी लेके आई थी। तो ओई का तो मैं लेके भी कोनी गई, नहीं तो मैं ले जाती यहीं पर रखा रह गया। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और पड़ी, वहां उसने देखा एक। और हाँ, कल जो वीडियो डाली थी ना मैंने सरगी वाली, उस पर कमेंट आ रही थी कि बेबे बधाई हो, और बधाई किस चीज़ की दे रहे हैं कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। तो देखो ये जो खुशखबरी है, टाइम आएगा तब आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और बाकी देखो जो सातम का व्रत होया करना वो शादी के बाद सब रखे हैं, जिसके बच्चे हैं वो तो रखे ही रखे हैं अपनी संतान के लिए, और जिसके नहीं है वो भाई अपने आने वाले बच्चे के लिए रख ले हुए हैं, है ना। क्योंकि भाई बड़े बूढ़े कह दिया करें कि सुथरे सोन कराया करें, तो सुथरे सोन हुए हैं तो इस करके सब रखवा दे हुए हैं, चाहे किसी का बच्चा हो ना हो। तो इस करके
तो ये हमने जो अपनी कहानी है वो सुन ली है, और ये जो चावल के दाने हैं ये पल्ले का बांध लिया करें, और इन्हें फिर शाम ने मतलब जो तारे निकलेंगे ना, तारे तो पानी देते टाइम पे उस लोटे में डाल लिया करें। और हाँ, करवे वाली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि बेबे अलग से पानी का गिलास ले लिया करो, मतलब ये जो पानी हो ना लोटे में ये तो चांद ते दिया करें सारा। तो बेबे पता है क्यों है ना, जो हम देख दे आ रहे हैं वो हम कर दे नहीं पता होता, लेकिन हाँ आगे तो जरूर ध्यान रखांगे भाई, अपना जो अलग तो पानी ले लिया करेंगे गिलास में। बाकी मैंने ज्यादातर नुए देख लिया ना, तो फिर हम भी नुए करने लाग जाए वहां। और एक जैसे कई जगह पे ये भी हुआ है भाई, पूरे दिन कुछ नहीं खाते ना सतम वाले व्रत वाले दिन और ना जो करवा चौथ का व्रत हुआ है उस दिन। लेकिन मारे में जैसे हम छोटे थे तब भी देखा करते, मतलब जो हमारी माँ काकी ताई मौसी मामी थी, वे कहानी कहीं पीछे चाह पानी पी लिया करें और कुछ खा पी भी लिया करें, मतलब जो फल फ्रूट होया करें वो। और शादी के बाद भी मेरे सासू और भी नुए करें, मतलब हमारे तभी कह दी थी भाई ना खाया करें, तो हम शुरू दिन थे मतलब चाह पानी पी लिया करें जो कहानी है वो सुनने के बाद, तो इस करके। और बस ये हमने अपने ननद भाभी ने जो सूरज का पानी है वो भी दे दिया है। आथ ला ले मु ओ क्या लगा मैं तो बर्थडे टी हो रही, बस इसको रख के पैर पोंछ दे दे कि वो दिल गाई हमारा है। नंदी ऊपर बढ़ावे बस कोनी छोड़ रही मैं बाबा सिंह आया और तो भाई 1:05 हो गई है और चाल पड़े नानी, ये मेरे गले में जिद आ रहा था तू को, तू प्यारी को नहीं, मैं प्यारा हूं नानी, ना बता दे नानी आज तोड़ कर, बता दे नानी, हाय हाय कहो तो सारे नु नानी मैं रहेगी सारे देख नानी तो इनके नहीं सकती क्योंकि दोते दोतियां के बीच में खड़ी है, तो जरूर एक होगी तोड़ तो मुंह बजा है, बाकी सब नु को है मामा भी जो भी नानी गला जिद दिलावे, सीमा सब तो प्यारी है, सारे छोरी छोरी है नानी, मेरा नंबर भी रहा है फरी दे मन तो उधार में कुल्फी खाया करता फ्री में दे मन तो फिर
कितने कितने रुपये बना दिया करता था, आठ सौ की कुल्फी खा गया यूनो का नानी मन तो परी मत देवा के ला तो गया था मैं इतना गर्मी में छुट्टी हो जाए तो उसी सरपंच जी आप देंगे पैसा। हां पीछे आके टाइम पर सी सरपंच जी है देने पड़े थे और बस 5 बजे हम आए थे क्लास में से, क्योंकि ना थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो चुके थे और बस ने काफी लेट कर दिया क्योंकि हमने प्राइवेट बस पकड़ ली, उसने इतना परेशान किया। आध घंटे तक तो वो मैं भी खड़ी रही और फिर हर गांव में 3-3 जगह रुक रुक करके, क्योंकि अगर हम रोडवेज में आते हैं ना तो वो बिल्कुल 1.25 घंटा लगाती, मतलब सारा ही 1 घंटे में तो वो पहुंचा देती है, 15 मिनट हो वैसे लगा देती होगी शहर में इस करके। तो बस फिर वहां से सीधा ऑटो लिया, वही पैसे ज्यादा ले लिए हमने क्लास में पहुंचा दे, और क्लास में तो पहुंच गए थे हम फिर टाइम पे, मतलब 4:35 पे पहुंच गए थे, 5-1 मिनट लेट थे, ज्यादा लेट होने थे, फिर मैडम ने टाइम भी ठीक दे दिया था। और आगे बस ही रेस्ट कराया है, आते टाइम ये जो दूध लस्सी है वो लेके आई थी क्योंकि दूध वाले ने भी मना कर दिया, क्योंकि ना ये रेगुलर तो मांग ले हैं, जैसे मैं 3-4 दिन करा थी इसी बार में मैं फिर चली जाऊंगी तो उस चक्कर में ये ओए हैं परेशान से भाई सारे जो है, तो बोला उसने मना कर दिया था, मतलब चलो भाई कोई बात नहीं कोई दिक्कत ना है अंदर थैली ले लेंगे, क्योंकि जो बीच में कुछ थैली लेनी पड़ेगी, रेगुलर तो बन सके है हर रोज वो फिर हम करेंगे कि बंद आगे डेली का, तो इस करके क्योंकि कई बार गांव में तो आ जाए, कई बार मैं चली जाऊँ फिर मैं जाऊँ तब मैं भी ले आऊँ, और गांव में तो मैं आंधी को मैं ले आंधी मतलब अपने घर ताती तो इस करके। और सब्जी ले आई थी मैं, छोले की सब्जी बनाई थी सवेरे वहाँ, तो सब्जी तो बनाने को नहीं, बस ये जो दूध लस्सी है वो निकाल के रख दूंगी, दही है दूध और दही निकाल के रख दूंगी, और पानी देखूंगी कैंपर में अगर पानी नहीं होगा तो पहले पानी लेके आऊंगी क्योंकि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, पानी तो है तो पर लोग वही है ना पास ही हो जाएगा, इडली में भी नो कदे पानी, हाँ दोनों चीज वही है क्योंकि हाँ मास्टर जी आएंगे ना तब दोनों टाइम पानी ले आएंगे, वीरवार ना आए थे ना वीरवार में मैं भी ले थी सवेरे शाम में, फिर इडली भी लाए टेम्पर भी लाए तो फुल भरे हैं, क्योंकि शुक्रवार में हम चले गए थे और वीरवार में रात में ले आए थे, तो पानी की तो कोई जरूरत चल जाएगा काम कोने जाने में, हूँ भी थकावट सी हो रही है बस ये पानी काम संग। तो ही अपने जो दूध है वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर सब्जी भी निकाल दी है, इसने गर्म कर लूँगी, देख रही थी मैं माँ कहीं ख़राब ना होगी हो, पर ई भी इतनी गर्मी को नहीं होती तो ठीक रह जावे हम। और यहाँ पे पतीले में मैंने दूध रख दिया है क्योंकि ये जो श्याई है ना मतलब जवे हैं जो आते तोड़े उड़े वो दिख गए थे मैंने कि मखाइए तो बनाए देऊँ मैं, मैंने तो कोनी खाए बाकी जो नए खाए थे, बस एक कटोरी जो खा ली थी एक बच गई थी वो रख दी थी मैं सुबह स्कूल में ले जाएगा। और यहाँ पे तब तक मैं जो आटा है वो भी लगा के रख दूंगी साथ में, और फिर मन सोचे कि चलो पूरी ये बना लिया क्योंकि सारे दिन के भूखे हैं, रोटी तो फिर मेरे पैसे ये खाई जाया करें, तो इस करके हमने जो आटे में नमक है और कसूरी मेथी है और जो थोड़ा सा घी है वो डाल लिया है, तो ये आटा लगा लूँगी और तब तक दूध में उबाल आ जाएगा तो जो सेवैया हैं मतलब जवे हैं वो डाल दूँगी। तो ये बस जो पूरी है वो मैंने बनानी शुरू कर दी है क्योंकि मैंने सोचा कि चलो बना के मैं रख दूँ और फिर अपने तारे निकले आएंगे तो फिर खाना पीना खा के फिर बाकी काम फिर देख लेंगे। और इस टाइम पे बज रहे हैं 6:30, मैं बस खाना बना के ऊपर आई थी, मैं देख आऊँ एक बारी तो निकल रहे हैं कई तारे निकल रहे हैं, देखो यहाँ आड़े तो कोई नहीं दिखते ऊपर आड़े तो वो दिखे, और जय भेज दिया मैंने पानी लेन, तो जय पानी लेके आवेगा और फिर अपना पानी दे के फिर चलाएंगे नीचे। तो जय पानी लिया आया था और तारा ने पानी दे के फिर नीचे चलाएंगे, और यहाँ पे जय ने या मेरी जो क्लिप है वो निकाली थी। राम राम जी, तो 7:30 हो गए हैं और बर्तन साफ कर दिए हैं, स्लैब भी अच्छे से साफ कर दिए, और वीडियो का एंड करने खतरा अड़ाना पड़ा, ओहो मच्छर तो देखो लाइट बंद करनी पड़ेगी आज तो सारी, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट सी है धुंधला धुंधला सा है, तो यहाँ पे किचन में थोड़ी सी एक क्लियर आवे वीडियो मतलब ठीक आवे है, तो बस ये अपने सारा काम हो गया है, ये पहले जय ने सुनाऊंगी क्योंकि उसने काफी टाइम हो गया, मम्मी सोजो और सुन दो आप देख भी, और मेरे बगैर सोवे को नहीं, इतना मैं उसके पास में नहीं लेटूंगी ना इतना को नहीं सोवे, तो उसने सुहा के और फिर देखूंगी मैं वीडियो एडिट करूंगी, नींद तो क्या आवा थी क्योंकि 7:30 हुए 7:30 बजे की नींद आती,
तो अकेला यार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, पे सारा काम कर दूंगी, क्योंकि सवेरे सवेरे फिर वो ही जाएगा, टाइम हो जाएगा है और लेट डाउन खुला है, वो फिर रंगीला रियाड़े की वीडियो का टाइम हो जाए, तो रंगीला पे वीडियो अपलोड करके और देखूंगी अगर विलेज की भी वीडियो एडिट होगी तो इब्बे करके सोऊंगी, क्योंकि कल लाइक तो मैंने कपड़े धोने हैं और एक या जो किचन है वहाँ सँगवानी है, वो तो बुरा हाल हो रहा है, तो ये दो काम निपटाने हैं मैंने कल ने, तो इस करके और परसों फिर देखूंगी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मतलब जैकेट ड्रेस वगैरह लेके आनी है मैंने, तो यहाँ तक करूँगी या फिर वहीं पर करूँगी, क्योंकि वीरवार में मैं चली जाऊँगी यहाँ, तो शुक्रवार का दिन है मेरे पास, अगर यहाँ नहीं गई मैं तो वहाँ तक कर लूँगी, बाकी ये है कि भाई क्या पता चले भी जाए, तो इस करके जो है जो अपने काम है ना वो मैं कल निपटा लूँ, परसों फिर मैं अपना और कर लूँ और वीरवार में फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बिल्कुल इस वीडियो ने जरूर लाइक करा करो, कमेंट करा करो और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।